हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे और अच्छे बने रहना। तो गाइस, इस वीडियो में लोग बात करेंगे सीधा पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है? क्योंकि यार आप लोगों का भी टाइम बहुत ज्यादा वैल्यू करता है मेरे लिए। तो देखो गाइस, रिसेंटली मैं गया डीकैथलॉन, ठीक है? वहां पे मैंने कुछ प्रोडक्ट परचेज करे जो कि आप लोगों ने वी रोल में देख लिया होगा। वहां पे मैं जब गया वहां पर, तो डीकैथलॉन पे मेरी नजर पड़ी सीधा एवेलेक्स पे, ठीक है, जो कि है डीकैथलॉन का क्रिकेट ब्रांड। वहां पे जब मैं गया तो देखो गाइस, एज अ क्रिकेटर हम लोगों के लिए सबसे अच्छी बात क्या लगती है, जब हम लोग देखते हैं नया बैट, नया पैड्स, ठीक है, नई किट, हमें बहुत अच्छा लगता है देखने में। वही मैं गया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनकी क्वालिटी देखकर, क्योंकि बहुत प्रीमियम क्वालिटी मुझे दिखी है वहाँ पर और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर क्यों ना करा जाए, क्योंकि आप में से मोस्टली लोग तो हर जगह जाते होंगे वहाँ पे डीकैथलॉन, और हर जगह अवेलेबल भी आजकल, ठीक है। तो मैंने भी सोचा आप लोगों से शेयर करा जाए कि मैंने क्या क्या वहाँ से परचेस करा है। पूरी एकदम अच्छे से रिव्यू करूंगा हर एक प्रोडक्ट का जो मैंने लिया है। वैसे तो वहाँ पे हर चीज अवेलेबल है, बट मैंने अपने मर्जी से लिया है कि जो मुझको वहाँ पे चाहिए था, ठीक है। सो गाइस, ये है वो प्रोडक्ट जो कि मैंने वहाँ से परचेज किया है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका प्राइस रेंज है, ठीक है, ये मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा, आप लोग वहाँ पर देख सकते हो कि इन सबके प्राइस रेंज क्या है और मैंने क्या क्या परचेज किया है। और लिंक मैं वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग डायरेक्ट वहाँ से परचेज कर सकते हो, बाकी आप लोग डीकैथलॉन भी जा सकते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो ये बैग के बारे में आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा कि मैंने यही बैग क्यों परचेज किया है, इसका एक रीज़न है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब बात करेंगे हम लोग बैट के बारे में। तो देखो गाइस, बैट मैंने वहां से लिया इंग्लिश विलो, कश्मीरी विलो भी अवेलेबल है, टेनिस विलो भी अवेलेबल है, बट मेरे को जरूरत थी इंग्लिश विलो की, तो इसलिए मैं इंग्लिश विलो लेकर आया। तो ये रहा वो इंग्लिश विलो। सबसे अच्छी बात मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि देखो गाइस, आप लोग बैट लेते हो, ठीक है, एक तो कभी कभी भारी होता है और उसमें दिक्कत ये आती है कि आपका बैलेंस नहीं बनता, क्योंकि क्या होता है उसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना बैट का, वो एक जगह ही ज्यादा कर देता है। तो उससे क्या कि जब आप लोग उठाते हो बैट को, तो बैट उस साइड से झुक रहा होता है क्योंकि वहां पे वेट ज्यादा होता है, तो बैट कब उठेगा, कब शॉट मारोगे, उसमें आपको दिक्कत आएगी। बट इस बैट में कोई दिक्कत नहीं आई है। मैं मेनली जो बैट के जो वेट को मैं ऐसे यूज करता हूँ कि वहां पे 1100 ग्राम, ठीक है, 1150 1160 ऐसे ग्राम के बैट में मैं यूज करता हूँ, ठीक है। बट उसमें क्या होता है ना कि जो वेट है वो सही जगह हो तो काफी ज्यादा सही रहता है। इस बैट को जब मैंने वहां पर पहली बात तो जब उठाया था, तो उठाते ही पता चल गया था कि यार बैट में बैलेंस बहुत तगड़ा है। उसके बाद मैंने इसका पिंग यूज करा जैसे बॉल डालकर, तो वो भी बहुत इसका जबरदस्त लगा मुझे। प्राइस में बहुत ज्यादा अफोर्डेबल लगा मुझे, क्योंकि यार 5000 में क्या ही मिलेगा आप लोगों को, और ठीक है, तो ये इसके लिए मुझे ये बहुत बेस्ट लगा क्वालिटी वाइज भी और प्राइस वाइज भी। दूसरा मुझे मैंने इनका परचेज किया है, FLX के पैड्स, ठीक है, ये देखो डीकैथलॉन के। इसका मुझे सबसे अच्छा ये लगा क्योंकि देखो इस मेरे पास जो स्ट्रिप थे ये वाले, ये मेरे पास जो पहले थे वो तीन टाइप के थे, मतलब कि तीन स्ट्रिप थे, मेरे को दो स्ट्रिप के चाहिए थे, तो इसलिए मैंने इसको परचेज किया है। दूसरी बात, जो इसका जो क्वालिटी वाइज मुझे अच्छा लगा था, और ये बहुत लाइट वेटेड है, ये देखो बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है, इसलिए क्योंकि देखो हम लोग क्या होता है कभी कभी 50 ओवर्स खेलना पड़ता है, कभी कभी 20 ओवर्स, ठीक है, बट आजकल क्या है इतनी गर्मी है, आप लोग ज्यादा सामान कैरी करके खेलोगे तो क्या एनर्जी नहीं बचेगी ज्यादा, तो जितना ज्यादा लाइट वेट हो, क्वालिटी वाइज अच्छा हो, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा हो। सो गाइज, अब बात करते हैं बैटिंग ग्लव्स के बारे में। तो गाइज, मैंने जो परचेज किया है वो है मीडियम साइज का, और ये है बैटिंग ग्लव्स 900, ठीक है, फॉर एडल्ट्स। सो देखो गाइज, सबसे अच्छी बात मैंने इसे परचेज क्यों करा, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। तो देखो गाइज, हमारा जो पाम होता है, ठीक है, वहां पे इन्होंने लेदर यूज करा है, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग जब खेल रहे होते हैं ना, तो पसीने के चक्कर में बहुत सारे ग्रिप्स में बहुत फिसलन आ जाती है, तो ग्रिप अच्छा नहीं हो पाता, तो इसमें आप लोगों को वो दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे अच्छी बात इसमें दे रखा है वेंटिलेशन के लिए, देख लो आप लोगों को वीडियो में दिख ही रहा होगा, वेंटिलेशन में यहाँ पे बहुत अच्छा दे रखा है कि यहाँ से वेंटिलेशन होता रहे। क्या होता है, बहुत देर तक हम बैटिंग करते रहते हैं ना, तो हाथ में पसीना बहुत ज्यादा हो जाता है, वेंटिलेट नहीं हो पाएगा, तो दिक्कत हम लोगों को आएगी। तो चलो गाइज, अब बात करते हैं क्रिकेट हेलमेट के बारे में। तो आओ, सो गाइज, ये हेलमेट मैंने परचेज किया है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा एफ्लेक्स से, जो कि देखो, पहले सबसे पहले बात करते हैं इसके ग्रिल के बारे में। तो गाइज, ये जो ग्रिल है ये माइल्ड स्टील से बनी हुई है, इसका एक बार आप लोग ग्रिल देखो, बस आपको ग्रिल देखते इसकी क्वालिटी का पता चल जाएगा। साइड प्रोटेक्शन भी दे रखा है इसमें, तो ये अच्छी बात मुझे इसमें लगी जाता है। और जो गाइस इसका आउटर शेल है वो बना हुआ है हार्ड प्लास्टिक एबीएस से, जो कि दिक्कत आपको लोगों को ये नहीं आएगी कि आप लोग सोच रहे हो इसका बहुत ज्यादा हार्ड बनाया गया है तो अंदर दिक्कत आएगी, अंदर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अंदर का कंफर्ट देखो एक बार आप, इसका कंफर्ट देखो हर चीज के लिए। और एक अच्छी बात बताऊं आपको मैं, ये देखो, ये देखो, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जो कि मैंने परचेज करी है एंड में, वो है एडोमेंट गार्ड, ठीक है, ये मेड इन इंडिया है, बाकी इसके बारे में उतना तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अच्छा खासा प्लास्टिक यूज कर रखा है, तो आप लोगों को सेफ हो, टेंशन मत लेना उसके बाद।
कोई भी पेस बॉल आ रहा है डरना नहीं है बिल्कुल। अब बात करते हैं बैग, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ये बैग क्यों परचेज किया है, क्योंकि ये बहुत लाइट वेटेड है और जो जो मुझे सामान कैरी करना है वो उसमें इजीली आ सकता है, और अब सबसे अच्छी बात ये फोल्डेबल भी है। तो गाइस ये है वो कुछ प्रोडक्ट्स जो कि मैंने डेकाथन FLX से परचेज किए हैं, तो अपने नियर बाय आप लोग जाकर ये सब प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। सबसे अच्छी बात मुझे वहां पे लगी इन स्टोर, ठीक है, कि वहां पर जो गाइडेंस आपको बहुत प्रोफेशनली दी जाती है, जो कि वहां पर पर्सन होते हैं वो बहुत अच्छे से आप लोग गाइड करते हैं कि ये सामान आपके लिए बेटर रहेगा, ये सामान आप लोग परचेज कर सकते हो। तो जब मैं गया था तो मुझे तो देखो एक्सपीरियंस था, बट फिर भी मुझे वो लोग गाइड कर रहे थे। तो जैसे कि आप लोग जैसे बहुत ज्यादा होंगे जो नॉन एक्सपीरियंस होंगे, जिनको बिगनर्स होंगे, तो वो लोग के लिए बहुत ज्यादा सही है, सीधा स्टोर पे ही जाना है बस आप लोगों को। बाकी इनकेस अगर आपके नियर बाय नहीं भी है तो आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, आपकी मर्जी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है ऑलरेडी। तो बाकी वीडियो को अब एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा, यूजफुल लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ध्यान रखना और क्रिकेट जरूर खेलना। बाय बाय।